आई रीच 12:30 और उसके बाद मेरा सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टर्न आया तो देयर वाज सम प्रॉब्लम. मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स में मेरा फादर्स नेम अलग है, मतलब मिडिल नेम है, और कुछ में फादर्स नेम का मिडिल नेम नहीं है. तो उन्होंने मुझे वहीं पे ही वापस भेज दिया, बोले एफिडेविट बना के लाइए तहसील से, लखनऊ की तहसील से. फिर मैं फटाफट से कैब करा के वो लखनऊ की तहसील गई. लकीली मतलब काम मेरा वहाँ पे भी जल्दी हो गया. फिर मैं वापस आई, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कराया, अंडरटेकिंग साइन करी. अब मुझे 7 डेज के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक करा के वापस करने होंगे. और फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू का ये सब करते करते, क्योंकि मेरा था ही सेकेंड हाफ में, तो सब कुछ होते होते मैं लास्ट कैंडिडेट थी. एंड मेरे से फिर उन्होंने आराम से क्वेश्चंस पूछे हैं. उन्होंने मतलब पूरा स्टैटिक इकोनॉमी से स्टार्ट किया, मेरे PhD से पूछे 2-3 क्वेश्चंस. उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से ये भी पूछा, कोई भी एक फेवरेट थ्योरी बता दो आप अपनी अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ी, क्योंकि मेरी PhD भी उसी में ही चल रही है. तो उन्होंने मेरे से कोई भी दो थ्योरी मांग पूछ ली. वैसे वो पूछ नहीं रहे हैं किसी से, वो कोई कोई पर्सन के क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पूछ रहे हैं. बाकी सारा 11th एंड 12th का, मेरे से 11th एंड 12th का थोड़ा डीप में पूछा. एंड एक क्वेश्चन उसका था, करंट का था, कि इंडिया की GDP फोरकास्ट क्या है अभी, एंड मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है. उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन में एक एक डिमांड का कर्व का शेप क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स. उसके बाद मेरे से क्योंकि मैं कॉलेज में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो मेरे से उन्होंने पूछा करंटली आप वहाँ पे क्या टीच कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट, और तो आजकल कौन सा टॉपिक चल रहा है उसमें से. तो मैंने हेक्शर रोलिंग की थ्योरी पढ़ा रखी है आजकल स्टूडेंट्स को. उन्होंने मेरे से लियोंटेफ पैराडॉक्स पूछ लिया उसमें से. और फिर माइक्रो के क्वेश्चंस भी पूछे. स्टैटिस्टिक्स में से उन्होंने मेरे से कलेक्शन ऑफ डेटा में से एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड. उसके बाद नेशनल मैक्रो में से उन्होंने मेरे से मनी एंड बैंकिंग में से पूछा. ऑलमोस्ट पूरा ही मनी एंड बैंकिंग ही पूछ लिया. और इंडिया की GDP का फोरकास्ट पूछा. फिर उन्होंने ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था प्रैक्टिकल टाइप्स का, कि लाइक इफ देर इज अ फैक्ट्री, सो फॉर एग्जाम्पल देर इज अ फैक्ट्री एंड देर आर सो मेनी वर्कर्स वर्किंग इन इट, सो हाउ कैन यू से वेदर इट्स अ जनरल इक्विलिब्रियम और अ पार्शियल इक्विलिब्रियम और अ क्वासी इक्विलिब्रियम. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था. बाकी तो वैसे ना मुझे ये लगता है कि जिन मैंने बाकी कैंडिडेट से पूछे तो हर किसी का ना अलग अलग एक्सपीरियंस ही रहा था. एक दो कैंडिडेट्स थे जिनसे बहुत ही अजीब क्वेश्चन भी पूछे थे. एक कैंडिडेट थी, उसे पूछा था बताइए AR रहमान कौन है, AR रहमान के कौन कौन से गाने हैं, आई मीन वियर्ड लिटिल. और एक पैनल ने डेमो भी ले रहे थे, बट मेरा वाला पैनल डेमो नहीं ले रहा था. सो एट द एंड ऑल माई एडवाइस टू यू गाइज इज कि मुझे ये लगता है पर्सनली कि अपना 11th एंड 12th ही अपना स्ट्रॉन्ग करके जाइए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली स्कूल्स के अकॉर्डिंग टीच वो करेंगे तो उन्होंने उसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछने हैं. बाकी ठीक है, अगर नहीं आता तो भी ठीक है, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड पीपल. एंड ठीक है, अगर नहीं भी आता वो तो अच्छा माहौल है, ऐसा नहीं है, मतलब मज़ा आया मुझे इंटरव्यू देके. बस यही सब था सर, और बस यही ख़त्म हो गया. आने से पहले उन्होंने मुझे वेरी गुड भी बोला.